साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की हजूरी में जुड़ बैठी गुर प्यारी साध संगत जी हो सारे तो पहला गुरु फतेह की सांझ करिए। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज के समागम तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की पहली सिख शरीरक रिश्ते तो वड्डी भैण जिन्हों बीबी नानकी जी चैरिटेबल होस्पिटल अते डायग्नोस्टिक सेंटर की अज आरंभता भी है। यह समागम सवेरे 5 बजे तो निरंतर रात के 11 बजे तक चलणगे, जिदे विच आप सवेर तो हाजरियां भर रहे हो। सवेरे सब तो पहला अमृत संचार, जिदे विच करीब 28 प्राणियां ने अज अमृत पान किया है। गुरु की बड़ी अपार बख्शिश रही है। खूनदान कैंप लग्या है जिदे च करीब 50 दे प्राणियां ने खूनदान किया है। आप संगतां का बहुत वड्डा सहयोग है, क्योंकि पिछले साल यह पहला समागम किया सी। आपने जकारे नाल यह आग्या बख्शी सी कि हर साल यह समागम होया करे। आने वाले कुछ समय दे विच होर भी सेवावां आप जी दे चरणां दे विच लैके हाजिर होवांगे। सो हुक्म होया आप संगत का एक शब्द की हाजिरी भरन का। समा बड़ा संकोच के चल रहे हाँ। भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी खालसा खन्ने वाले पंथ की महान शख्सियत साढ़े विच पुज चुके हैं, वह भी आप जी के सन्मुख होणगे। सो आओ करो कृपा, एक शब्द की हाजिरी का हुक्म होया। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। सो करो कृपा, कोई भी रसना वांझी ना रहे। वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै दे, सो देही भज हर किसे। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, भजो गोबिंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कर ही मह अमृत भरपूर है, कर ही मह अमृत भरपूर है। मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने। ब्रह्म दा परम बुलाया, पहुप मद जो बास बसत है। मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर। कट ही को जो पाई। गुरु प्यारी साध संग जी, इको एक लाह है मनुखा देही दा कि केवल और केवल भजन बंदगी
हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। करो करो पापा सारे रल के गाए। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जाको अपनी कृपा धार, सो जन रसना नाम उचार। जाको अपनी कृपा धार, सो जन रसना नाम उचार। सो जन रसना नाम उचार, सो जन रसना नाम उचार। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन हर बिसरत
सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पहो पावै हर बिसरत सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पहो पावै सिमरत नाम परम पहो पावै सिमरत नाम परम पहो पावै हर कीर्तन सुनै हर हर की टहल करत जन सो है ताको माया अग्नि न पो है हर की टहल करत जन सो है ताको माया अग्नि न पो है मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अबर जंजा नानक तजियले अमर जंजा नानक तजियले अमर जंजा हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे इस जन दुख निकट नहीं जिमें कि एडिटर साहब भी दस रहे सन कि सुहासा दे उपर वाहेगुरु नूं विराजमान कर दईए कि गुरसेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यह मानस जन्म का इको एक लाहा है कि केवल और केवल भजन बंदगी सिमरन वाहेगुरु का गुरबाणी कीर्तन सुनना गुरबाणी कीर्तन गाउना मिशन का भी यही टीचा है कि केवल सिख ना बने एक गुरसिख बने अपने धंधे भी करे नौकरियां भी करे
पर नाल कीर्तन दी दात होवे, आप भी तरे संसार नू भी तारे। मुबारक है इंजीनियर बने, बच्चा डॉक्टर बने, ग्रस्त संभाले, पर एक गुरु घर दा नाल कीर्तनिया भी बने। कीर्तन केवल इसलिए ना होवे कि मैं किसी गुरुद्वारा साहब ड्यूटी करनी है, मैं केवल इस तो कमाई करनी है। कमाई दे होर बड़े राह ने, और जदों गुरबाणी नू कमाई दा राह बना लिए तां कमाई हुंदी भी नहीं, पर जदों गुरबाणी नू जीवन जाच बना लिए, पावसागर तो पार होण दा तरीका बना लिए, ते महाराज माया दी भी कमी नहीं छड़दे, संगत दा भी बहुत साथ मिलता है। सो यही मिशन दा उपराला है, यही मिशन दी पुरजोर जरूरत भी है कि बच्चे इस तरह दे अगे आउण जिहड़े पढ़ाई दे विच भी काबल होण, ते नाल गुरबाणी कीर्तन, गुरबाणी संथिया, तबला पंजाबी दे जाणू होण, सोहणी दस्तार बंदे होण, इह मिशन है। नाल ही बीबी नानकी जी चैरिटेबल हस्पताल ते डायग्नोस्टिक सेंटर दा इक्को इक मंतव है कि इत्थों वध तों वध जो मनुखता दी सेवा हो सके, क्योंकि किसी का रोग कट देना मैं समझदा हाँ कि सब तो वड्डा जिहड़ी उहदे दिल चों असीस निकलदी है ना। कई बारी असीं, मैं भी डॉक्टर हाँ, कई बारी किडनी का दर्द स्टोन करके हो जाता है, तो एक पुड़ी देर नाल दस बूंदा पिओन नाल उस वेले जिहड़ा दर्द रुक जाता है ना, तो उहदे दिल चों जिहड़ी असीस निकलदी है ना, वह मैं ही जानदा हाँ, वह डॉक्टर ही जान सकता है। सो यह सेवा नूं मुख रखते हुए आप जी दीआं सेवावां दे विच बीबे नानकी जी चैरिटेबल हस्पताल ते डायग्नोस्टिक सेंटर भी हाजिर है। सो मैं बेनती कर रहा सी कि गुरसेवा ते भगत कमाई सब तो जरूरी चीज है, कि मनुखा देही मिल गई है, स्वस्थ देही मिल गई है। ऐसे भी संसार ते लोग हन जिन्हां दे बाहवां नहीं हन, जिन्हां दे पैर हथ कम नहीं करते, जिन्हां दा दिमाग कम नहीं करता, सानू स्वस्थ देही मिली है। दूजा वड्डा भाग ये है, सिख दे घरे पैदा हो गए, सिख धर्म दे विच पैदा हो गए, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विरसे दे विच मिल गए हैं। पर मैं माफी मंगता हाँ, ऐसे हजे भी कई सिख हैं, साबित सूरत भी हैं, पर गुरुद्वारा साहिब कदे नहीं बड़े, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन ही नहीं किए। दर्शन केवल बाहरों कर लैण नूं दर्शन नहीं कहते, संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दीदार करना होवे तां एक एक शब्द का दीदार जरूरी है इस मनुखा देही दे विच। और मैं कई बार बेनती करता हुंना कि हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। इस तरह आप सिमरन करिए, जिहड़ा उहदा एक्सट्रैक्ट है, जिहड़ा उहदा तत है, वह ना कितने गुम हो जाए, ताए मनुखा देही दा आउना ते जाना सफल है। ये तिहाड़े मनाने ताए सफल हैं कि आपां रल मिल के गुरबाणी गायन कर सकीए, सुन सकीए, अपना जीवन सफल कर सकीए। इन्हीं को बेनतियां प्रवान करनिया, आपां रल के बिना तबले तो एक बारी ये पंक्ति गायन करके दास खिमां दा जा चुके, करो कृपा हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन भूख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सहा, यही बेनती प्रवान करनी। गावया सुनया
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਕੇਵਲ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਮਤਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਗਣੀ ਨਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ।